नमस्कार, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में जिसे हिंदी में और बिना कैलकुलस के पढ़ाया जाएगा। मेरा नाम विमल कुमार है और मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में अर्थशास्त्र का प्राध्यापक हूँ। हमारे आईआईटी कानपुर में एक विभाग है अर्थ विज्ञान विभाग, उसी में मैं कार्यरत हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेसिक ऑफ दिस कोर्स के। सबसे पहले हम करते हैं पाठ्यक्रम परिचय। पहले हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा क्या तात्पर्य है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसे हम कैसे पढ़ेंगे। और हमारे NPTEL प्लेटफॉर्म पे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये कोर्स उन कोर्सेज के अपेक्षा भिन्न कैसे है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को समझें। हमारे अगले वीडियो में हम काफ़ी डिटेल्स में जाएंगे, बट अभी आपको ऊपरी ऊपरी तह पे बता दें कि इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये दो शब्दों के मिलने से बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब भौतिक कल्याण होता है। हमारे प्राचीन जगत में चार पुरुषार्थ माने गए थे। पुरुषार्थ पहले, ऑफ कोर्स हम उसे मानवार्थ भी कह सकते हैं, तो चार पुरुषार्थ माने गए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का स्थान दूसरा था। ये अर्थ जो है सो भौतिक कल्याण के लिए था, मटेरियल वेलबींग के लिए था, कि हमारी इस भौतिक जगत में भलाई कैसे हो, हमारा हित कैसे हो, वो सारी चीज़ें अर्थ के अंतर्गत आती है। शास्त्र का मतलब व्यवस्थित एवं संग्रहित ज्ञान होता है। तो तदनुसार इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ आर्थिक भौतिक कल्याण का व्यवस्थित एंड संग्रहित अध्ययन। हम अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स के काफ़ी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, एक बहुत डिटेल में, और बाकी हम लोग जस्ट उसको देखेंगे कि कैसे ये डेफिनेशंस हैं और उनका क्या मतलब है। बट हम पहले ये समझें कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों होती है। सो इस दुनिया में दो चीज़ें हैं जो हमें बाध्य करती है कि हम इकोनॉमिक्स का नोट लें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को समझें और उसका उपयोग अपनी भलाई करने में करें। और ये दो चीज़ें हैं कि हमारी संसाधनें सीमित हैं, लाइक जैसे हमारे पास समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, थोड़ा और टाइम होता और तो और ज़्यादा अच्छा होता, ऐसी हमारी फीलिंग बराबर बनी रहती है। तो हमारे पास जो कुछ भी संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, और हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनंत हैं, वो असीमित हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये ज़रूरत पड़ता है कि हम चीज़ों का चयन कैसे करें, उस सीमित संसाधन का प्रयोग कर हम अपने असीमित इच्छाओं को प्राप्त करने में कैसे करें। तो उसके लिए हम जो चयन करते हैं, उस चयन का, उस सिलेक्शन का, उस च्वाइस का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स का यही है कि संसाधनें जो हैं सो सीमित मात्रा में हैं और इच्छाएं जो हैं सो असीमित हैं। अगली बात ये समझें कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं, ये दो मेन ब्रांच हैं, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सो ये माइक्रोस वर्ड से आया है, माइक्रोस का मतलब होता है छोटा, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस। एंड मैक्रो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा। हिंदी में इसे हम व्यष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र कह सकते हैं। तो हम इसे भी डिटेल में आगे समझेंगे। अभी हम ये समझें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे इकाइयों पे हमारा ध्यान है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि, सबको एक साथ लेकर जो फेनोमिनाज होती हैं उस पे हमारा ध्यान है। इनकी बारे में भी हम बातें अगले कुछ वीडियोस में करेंगे। हम पहले समझें कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ेंगे। तो हम, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह कोर्स मूलतः हिंदी में पढ़ाया जाएगा,
टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में बताए जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा इन टेक्निकल टर्म्स का क्लोज हिंदी ट्रांसलेशन देने का। अगर मैं वीडियो में नहीं दे पाऊँ तो स्क्रीन पे लिखा हुआ देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्निकल टर्म को हम उसी की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिनों में इकोनॉमिक्स पढ़ने में गणित का प्रयोग बहुतायत से होता है। बिना गणित के प्रयोग के इकोनॉमिक्स आज के दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम गणित का काफ़ी प्रयोग करेंगे इस इकोनॉमिक्स कोर्स के समझने के लिए इसमें। लेकिन जैसा हमने कहा है कि इसमें हम कैलकुलस का प्रयोग अवॉइड करेंगे, कम से कम का और नहीं करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं हम कैलकुलस जैसे कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं तो उसके एकदम डिटेल में जाएंगे, वो कैसे हो रहा है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। बट मूलतः हम लोग अलजेब्रा, जिसे बीजगणित कहते हैं, और हम लोग ग्राफ एंड डायग्राम, जिसे रेखा चित्र एंड आरेख कहते हैं, के माध्यम से इकोनॉमिक्स समझने का प्रयास करेंगे। याद करने की जगह, मेमोराइजेशन करने की जगह, हमें अंडरस्टैंडिंग, समझने और अंतर्ज्ञान पर हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेमोराइजेशन इस कोर्स में बिल्कुल भी नहीं करना है, समझना है, है ना। हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे बजाय कि याद करने की। अब हम ऑल्सो समझ लें कि इस पाठ्यक्रम दूसरे पाठ्यक्रमों से भिन्न कैसे है। मेरा ही एक इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है जो कि इस लिंक पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें ये तीन तरह से, ये जो इंग्लिश वाला कोर्स है वो तीन तरह से भिन्न है। ये इंग्लिश वाला जो कोर्स है, ऑफकोर्स इंग्लिश में पढ़ाया गया है, इसमें कैलकुलस का भी प्रयोग किया गया है। और तीसरा, चूंकि कैलकुलस का प्रयोग किया गया है तो स्लाइटली एडवांस लेवल पे है, उससे थोड़ा से नीचे के लेवल पे हम इस हिंदी कोर्स में बात करेंगे। हम उसको और आधारभूत तरीके से फंडामेंटल लेवल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।